हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, ये जो है कल बात की जा रही थी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के इंटरव्यू के बाद कि आपका जो है जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा 30%, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। लेकिन पीआईबी ने ये साफ़ कर दिया है कि आपका सिलेबस जो है वो अनचेंज रहने वाला है 2021 के लिए। लेकिन उन्होंने जो बात बोली है उनसे एक और बात निकल के आ रही है। उन्होंने बोला है कि जेई मेंस के अंदर आपको जो है सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया, आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए विदाउट नेगेटिव मार्किंग होंगे, और ऐसा ही एग्जैक्ट पैटर्न आपको नीट यूजी 2021 के अंदर भी देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स विल बी गिवन चॉइस टू आंसर 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 जेई के लिए। द एग्जैक्ट पैटर्न फॉर नीट यूजी 2021 इज येट टू बी अनाउंस्ड। मतलब ये है कि इसी तरह का पैटर्न आपको नीट यूजी के अंदर भी देखने को मिलेगा। सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है कोरोना के जो सेशन, कोरोना काल के कारण जो सेशन बर्बाद हुआ है उसके कारण आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया है, लेकिन इसका समाधान कर दिया गया है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे करके। तो फ्रेंड्स, आपका जो है अभी नीट 2021 के अंदर भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है बायोलॉजी के अंदर जो है आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से आपको जो है 180 क्वेश्चन ही करने होंगे टोटल 200 में से। और फ्रेंड्स, जो ये 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे इनमें शायद नेगेटिव मार्किंग भी ना देखने को मिले, ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। बाकी दोस्तों देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 2 वीक के अंदर आपकी अपडेट आ जाएगी ऑफिशियली क्या होने वाला है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।